तो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू चोखा जो कि बिहार की बहुत फेमस है। तो गाइस सबसे पहले आलू को आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, थोड़ा सा पानी लेंगे और कुकर गैस पे रख देंगे। दो सीटी आने के बाद कुकर हम बंद कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो दो सीटी आ चुका है, आलू हमारा बॉयल हो चुका है। सबसे पहले आपको रेडी कर लेना है थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा ग्रीन चिली, जीरा, ऑनियन और लहसुन को थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेना छोटा छोटा। उसके बाद में आलू को आपको छील लेना है और थोड़ा सा लाल मिर्ची 3-4 आपको पका लेना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको। 2-3 पकाने के बाद में आपको इसको साइड कर लेना है, आलू को छील लेना है, उसमें रख लेना है ग्रीन चिली लाल मिर्च को पका के। तो देख सकते हो मैंने रख दिया। उसके बाद में आपको ये सब डालने के बाद में इसको थोड़ा ब्राउन करना पड़ेगा अच्छी तरह से, जितना कुछ मैंने बताया था आपको, लहसुन, ग्रीन चिली, जीरा, ये सब डालने के बाद ब्राउन करना पड़ेगा। ब्राउन करने के बाद में गैस देख सकते हो ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से। तो गैस देख सकते हो इसमें डालने के बाद में आपको और रेड चिली जो डाला था आपको डंटी तोड़ लेना है उसका, और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, जिससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि थोड़ा ही डालना चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो देख सकते हो आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और चोखा रेडी हो चुका है 2 मिनट में। तो गाइस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।